हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अभि शर्मा एम एक्स टकाटक लेकर के आ गया हूँ न्यू ब्लॉग एक और, जिसमें कि हम जा रहे हैं कहाँ पर, गुजरात का सबसे नंबर सुपरहिट मंदिर जिसका नाम है गुरुकुल। तो हम जाते हैं गुरुकुल घूमने के लिए। इतना शानदार मंदिर है कि आप भी देखोगे तो बोलोगे कि क्या है भाई ये, इतना जड़ा हुआ है, मतलब कि उसमें इतने कांच, रंग बिरंगे कांचों से जड़ा हुआ मंदिर है और सांस्कृतिक उसमें इतिहास बताया गया है, मतलब संस्कृति का जितना भी हिंदी इतिहास है उसमें मिलेगा उस मंदिर के अंदर। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और देखते रहे हमारे साथ सूरत का, गुजरात का नंबर वन फेमस मंदिर। तो भाइयों, हम निकल चुके हैं गुरुकुल के लिए घूमने के लिए, देखते रहे हमारे साथ, फुल वीडियो वॉच करते रहे। हम जा रहे हैं ऑटो स्टैंड, पकड़ते हैं ऑटो और वहाँ से जाते हैं, फिर देखते हैं कितना क्या भाड़ा लगेगा, हम बताते जाएंगे, आप देखते रहें हमारे साथ। स्टेशन से कितना होगा, स्टेशन से 10-15 किलोमीटर होगा। स्टेशन से अगर सूरत स्टेशन आप लोग उतरते हो तो वहाँ से ना सिर्फ 20 रुपया ऑटो भाड़ा लगेगा। तो देखते रहें, हम निकल चुके हैं स्टेशन के बाहर, सूरत स्टेशन के बाहर। तो फिर दिखाया पीछे आपको सूरत स्टेशन का, आगे निकल के। तो अब हम पकड़ते हैं यहाँ से एक और ऑटो। सूरत स्टेशन से सिर्फ ऑटो वाला लगेगा 30 रुपया। हम जाते हैं, उठते हैं भाई। बाहर को देख सकते हैं गुरुकुल का बाहर का नज़ारा कितना टॉप है, और भी हम आपको अंदर दिखाते हैं गुरुकुल की, मतलब खूबियाँ बताते हैं और भगवान जी के दर्शन भी कराते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर गुरुकुल के अंदर। सांस्कृतिक भजन नृत्य, मतलब कि सब कुछ मिलेगा आपको। अगर हमारे पास में टाइम होता तो हम पूरा खुद दिखाएंगे आप लोगों के लिए, अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम आपको आधा ही दिखा सकते हैं इसके बारे में, मतलब कि बहुत बड़ा है ये। आपको बाहर से दिखाया कितना बड़ा मंदिर है, अगर हम इसको घूमेंगे और अगर इसका फुल वीडियो बनाएंगे तो कम से कम नहीं 1 घंटे या 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो हम चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आप लोगों के लिए कैसा क्या है। ये हम आ चुके हैं, ये दरबान है, दरबान है, यहाँ पीजी है और इस साइड भी दरबान है, और कितना शानदार, मतलब कि कलश बनाया गया है, कलश की डिजाइन में, मतलब कि पूरा मंदिर में इस तरीके के कलश मिलेंगे जो हम पूजा में रखते हैं, वो कलश आपको यहाँ पर मिलेंगे। मतलब कि पहली बात तो आप लोगों के लिए यहाँ से ही पता, बाहर से ही पता चल जाता है कि किस टाइप से, मतलब इसकी सजावट की गई है, कितना मज़ा आने वाला है इसको देखने के लिए। तो हमारे साथ में ना ये पूरा फुल वीडियो वॉच करें, और अभी तक की जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी के फुब्बारे लगे हुए हैं जीने के दोनों साइड में, कितना शानदार। और आप लोगों ने देखा हो तो मेरे पीछे भी फुब्बारा चल रहा, बहुत ही गजब का फुब्बारा चल रहा है, देख सकते हैं कितना शानदार फुब्बारा चल रहा है। और हम करते हैं
सबसे पहले गणेश जी के दर्शन। सबसे पहले पूजा में गणेश जी की पूजा होती है, तो हम भी इस बार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, मतलब उसके बाद में आगे दर्शन से शुरुआत की है हमने गणेश जी के दर्शन से। मतलब कि वीडियो में कुछ खास होने वाला है, देख सकते हैं कि यहाँ पर ना शंख से पानी गिर रहा है, महिला जी के ऊपर ताला लगा के पानी, और ये कोई स्विमिंग पूल से कम नज़ारा नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए बिल्कुल शंख के अंदर से पानी के फुव्वारे निकल रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस तरीके का नज़ारा आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते हैं, सिर्फ वो हम ही बता सकते हैं, वो भी गुजरात का फेमस, सूरत का मतलब फेमस, ये है गुरुकुल मंदिर। ये हैं हमारे घनश्याम महाराज, और ना साइड में है शिव भोले शंकर, उनकी महिमा से ही हम लोग चल रहे हैं। तो हमने किए गणेश जी के दर्शन, उसके बाद किए शिव जी के दर्शन, अब हम चलते हैं मतलब पीछे की ओर दर्शन करने के लिए चलते हैं, तो क्या नज़ारा निकला है। और ये फुव्वारे आप लोग देख, चलते हैं थोड़े और आगे चलते हैं, हम करते हैं श्याम जी के दर्शन, मतलब कि कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं हम लोग। ये देखिए दर्शन मात्र से ही दिल को सुकून मिल जाता है, आनंद आते क्या इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं मंदिर की, क्या कहूँ यार मैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट्स में जय श्री राम, जय खाटू श्याम, जय महाकाल, जो भी हो लेकिन कमेंट में सिर्फ भगवान का नाम हो। अब हम चलते हैं, किधर चलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिल खुश होता चला गया, बिना किस साइड के लिए दर्शन करने के लिए जाए कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। ये स्वामी ऋषिवर, हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनकी प्रार्थना सुनना, और ना ओ हो ये प्रभु हमारे व्यूअर को खुशियां देना, जो लाइक करे उसको डबल खुशियां देना, और जो कमेंट्स करें उनको ट्रिपल खुशी देना। स्वामी जी, और अब हम कराते हैं ऐसे भगवान का दर्शन जो राम भक्त हैं, वीरों कबीर हैं, वीर शिरोमणि हैं, हम कराते हैं उनका दर्शन। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, और जोर से बोलिए जय श्री राम। हमने कराए हनुमान जी के दर्शन, तो हम चलते हैं, अगर हनुमान जी के दर्शन किए हैं तो पक्के में वहाँ पर श्री राम का मंदिर होगा, तो हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर की खूबसूरती के अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ और भी समझ में आया, मंदिर के अंदर आने के बाद मेरे को महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी ये कलश बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, इन कलश का मतलब आप लोगों को भी अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि इन कलशों का मतलब क्या है। मेरे को इसके अंदर पता आने के बाद थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब ज्ञान जागरूक हो रहा है। तो ये ना कलश, कितने सारे कलश हैं मैं गिन के बताता हूँ, काउंट करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या है ठीक, मतलब फिर इसके मंदिर के अंदर मैजिक क्या है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों का मैजिक। पहले हम गिनते हैं कलश, कितने सारे कलश हैं इस मंदिर के अंदर, और फिर मैं बताता हूँ मैजिक क्या है।
और अगर आप लोगों के लिए पता चल जाए कि कितने कलश हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जैसे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखते रहें वी शर्मा, मतलब कि मैंने गिने हुए हैं यहाँ पर कितने कलश हैं, 10 कलश हैं, और 10 ही कलशों के अंदर आपको अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं मिलेगी, और प्रतिमाओं के साथ साथ में अलग 10 कलश का नज़ारा भी कुछ अलग ही है, और वो दिशाओं से मैच करता है। तो कमेंट्स में बताएं कि 10 कलश का मतलब किस किस दिशाओं से अंतर है, किन किन दिशाओं के क्या है, और बता सकते हैं हमको। हम चलते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए, कौन से हनुमान जी हैं आप कमेंट में बताएं, देखें दर्शन करें। प्रभु हमारे भक्तों के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, अब वो आपसे भक्ति प्रार्थना कर लेंगे। तो मेरे हैं नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए, ये कलश नंबर 3 होगा शायद, हमने गणेश जी के कराए थे, शंकर जी के कराए थे, ये है नरसिंह भगवान के दर्शन। हम पहुंच गए हैं कौन सा 4th कलश है, नीलकंठेश्वर मंदिर, मतलब नीलकंठेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। तो प्रभु जय श्री राम, दर्शन मात्र से ही सुख मिल जाता है, ये रहे हमारे नाम के नाम में जिसका श्री राम हो और जिनके भक्त हनुमान हो। हम पहुंच गए हैं राम मंदिर, और राम मंदिर के क्या नज़ारे हैं आप देख सकते हैं। पहले हम करते हैं हनुमान जी के दर्शन, राम भगवान के दर्शन, पिताजी के दर्शन। हमने किए श्री राम भगवान के दर्शन, ये था 5वां कलश। अब हम चलते हैं 6वें कलश के पास में। नहीं सॉरी, मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 10 कलश हैं, वो 10 कलश नहीं 11 कलश हैं, और ना 11वां कलश जो है ना, पहला सबसे पहला कलश वो ये कलश है, सबसे बड़ा जिसके अंदर अपन ने स्वामी जी के दर्शन किए थे, वो कलश है। और उसके अंदर मतलब इसके भार की रचनाएँ देखिए, स्वामी जी मतलब भगवान श्री राम, लक्ष्मण मतलब सभी भगवानों के दर्श मिलेंगे। सांस्कृतिक तरीके से इसका डेकोरेट किया गया है, कितना शानदार। अब हम आ चुके हैं विष्णु भगवान के दर्शन के, तो ये है नंबर 7वां कलश। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उतार लेंगे हम करते हैं विष्णु भगवान जी के दर्शन। विष्णु भगवान जी के दर्शन भी क्या दर्शन है, श्री राम भगवान के क्या बात है यार। ये है अभी तक 7 कलश के अंदर जो भगवान है उनके दर्शन। अब हम चलते हैं 8वें कलश के पास, और 8वें कलश में तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे हम। तिरुपति बालाजी, आपको तिरुपति जाने का नहीं पड़ेगा, जिसने दर्शन कर लिए उनके भाग्य में होगा वो मिलेगा। कमेंट्स में जय श्री राम लिख देना, आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिले, और देखते रहें हमारे साथ। हम चलते हैं 7वें कलश के पास, चलते हैं 7वें कलश के पास, पहुंच गए हैं तिरुपति बालाजी, और ये रहे तिरुपति बालाजी के दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। दरबार कलश की प्रतिमाएं देख सकते हैं आप, कितना ऊंचा ध्वज, और क्या सूर्य नारायण भी क्या छलांग लगा रहे हैं। अब हम चलते हैं 7वां 8वां कलश दिखाते रहते हैं लोगों ने अभी तक के दर्शन। हम जा रहे हैं 9वें कलश का दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। कलश का नज़ारा कुछ अलग है, हम देखते हैं श्री राधे राधे का दरबार। चलो
बोलिए राधे रानी की जय। क्या दर्द है, क्या नजारा है, महिमा प्रभु की है और आपके भक्त आपके साथ है, आपके पीछे है। जय श्री राधे रानी। अब हम चलते हैं नवे कलश के बाहर। यहाँ पर आपको नज़ारा कुछ अलग ही, ये मतलब ये उस कलश का नज़ारा है, देख सकते हैं क्या नज़ारा ना। अगर आपको घूमना है ऐसी शानदार जगह तो हमारे वीडियो को देखते रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट जा कर के लाइक करें, और देखते रहें हमारे साथ दर्शन करते रहें। हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। और जिन लोगों के लिए सूरत मतलब घूमना है, गुरुकुल आना है, उसके लिए हम आपको लोगों के लिए बता चुके हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ मैं आपको, उतरना है सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन से आपका लगेगा सिर्फ कितना, 30 रुपया। सूरत स्टेशन से आपका लगेगा गुरुकुल का 30 रुपया। 30 रुपया में आप गुरुकुल के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप, यहाँ पे टिकट लगने का कोई वो नहीं है, तो सामान खरीदोगे उसका जरूर आपको तय करना पड़ेगा। हम कराते हैं, आप लोग करते रहें और देखते रहें। हम कहते हैं दसवें कलश का दर्शन, वो दसवें नहीं नवे कलश का दर्शन करते हैं। तो चले घनश्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं हम, और कीजिए आप घनश्याम जी के दर्शन। दर्शन क्या, हरी पोशाक में क्या लग रहे हैं, मुकुट भी क्या लग रहा है यार, देखें। और जय श्री श्याम जरूर लिखें, जय घनश्याम जरूर लिखें। और देखते रहें हमारे साथ में। लास्ट कलश बचा है 11वां, और इन 11 कलश के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारे, इन 11 कलशों के बारे में हमको ज़रूर बताएं कि क्या विशेषता है इन 11 कलशों की, और ये मतलब कि इनके अंदर भगवान हैं, क्या विशेषताएं हैं, किस रूप से बनाया गया है, क्या दर्शाया गया है इस मंदिर के अंदर, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे लिए। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमने आपको जितना बताया हमारे हिसाब से उतना काफ़ी है, नहीं काफ़ी तो नहीं है, जितना आप लोगों के लिए भी हो सकता है, ज्ञान उतना हमको नहीं है, तो प्लीज़ जरूर बताएं। अब हम चलते हैं लास्ट का जो कलश है वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, वो बचे हैं लास्ट कलश। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ भी आती है, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं देखने के लिए। कुछ धाम ही ऐसा है, नज़ारा ही कुछ ऐसा है, जिसके हाथ में देखेंगे फोन ही देखेंगे, और जिसको देखेंगे सेल्फी लेते हुए देखेंगे। ये देखिए भाई बच्चे के साथ में फोटो खींच रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के लिए नज़ारा कुछ ऐसा ही मिलता रहेगा। और देखते रहें हमारे साथ, फुल वीडियो वॉच करते रहें, और कमेंट में कैसे हम करेंगे। तो हम चलते हैं 11वें कलश का दर्शन, हम करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन। ये ना हमको कुछ ऐसा नज़ारा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो विष निकाला हुआ था, समुद्र मंथन किया गया था, उस तरह का भी नज़ारा हमको दिखाई दे रहा है। हम दिखाते हैं आपको आगे चल कर के, वीडियो को फुल देखें, वीडियो को देखते रहें और कमेंट्स करते रहें। क्या शंकर जी का नृत्य भी आपको हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, क्या नहीं है यार। और जो हमने बताया था कि कलश के बारे में संस्कृतिक दिया गया है, वो भी आप देखते रहें क्या रूप नज़ारा है। ये देखिए, मतलब ऐसे कोई भगवान नहीं रहे होंगे जो इस कलश के अंदर ना समाए हों। तो इन कलशों के दर्शन कर लिए, मतलब कि 36 ही देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, ये दर्शाया गया है इन कलशों के अंदर। देखते रहें हमारे साथ पूरा फुल वीडियो वॉच करते रहें। वो
देख ही रहे होंगे काफ़ी सारी भीड़ हो चुकी है नंदी के अंदर, और ना जिनको भी देखेंगे वो सब कैमरे में ही देखेंगे। देखते रहे, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, हम एक बच्ची से बात करते हैं, वो हमको थोड़ी बात दिखा देती है। क्या हुआ, क्या हुआ, वो तो हंस गई यार वो।